हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हैं? आई रियली होप आप सब ठीक होंगे। सो आज संडे है और आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। सो आज कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, कब से सोच रही थी बनाने का, बट फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। वेज बोले तो थोड़ा सिंपल लगता है, सो कटहल बिरयानी बनाने जा रही हूँ विद लॉट्स ऑफ वेजीज। क्योंकि मेरे जो सिस्टर और नीस है ये दोनों नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मैं नॉनवेज नहीं बना सकती, बट कटहल बिरयानी ऑलमोस्ट लाइक नॉनवेज बिरयानी। आज मैं फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाने जा रही हूँ। बिरयानी टाइप मैंने पहले भी बनाया है बट नॉट इन दैट प्रॉपर वे, तो आज मैं अच्छे से बनाने जा रही हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। और ये जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो लेट्स सी कैसे बनता है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ किचन में और चलो बनाते हैं बिरयानी। आई होप अच्छा बने, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये लिया मैंने दही और दही में मैंने डाला ये लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून और हल्दी पाउडर और मिक्स मसाला जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, और ये लिया बिरयानी मसाला, और ये लिया मैंने जिंजर और गार्लिक और फिर धनिया और थोड़ा सा मिंट, और फिर ये लिया लेमन जूस और फिर थोड़ा सा ऑयल, और इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। आज मैंने ये सारे वेजीज लिए हैं। वेजीज में लेना है कैरेट्स, ग्रीन बीन्स, आलू, इन सबको ऐसे रफली काटना है, और ये लिया कटहल, कटहल मैंने फ्राई कर लिया था, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेट करना है फॉर 20 मिनट्स, और इसको ढक के रख लीजिए 20 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पे चावल में मैंने लिया आज बासमती राइस, क्योंकि बिरयानी में तो यही चाहिए होता है, और इसको भी अच्छी तरह से धो के भिगो देना है फॉर 20 मिनट्स। और फिर अब यहाँ पे लगा दें तड़का, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑयल, और इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं लाइक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, मतलब जो भी बिरयानी के मसाले हैं खड़े मसाले सारे डालने हैं, बे लीव्स, करी लीव्स, और फिर ये कटे हुए प्याज, प्याज बिल्कुल बारीक काटना है, प्याज चाहे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, और फिर गार्लिक जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं, और फिर कुछ ग्रीन चिलीज, और फिर ये मिक्स मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़ी सी हल्दी और फिर नमक, और इन सबको अच्छी तरह से भूनना है। चाहे तो आप लोग इसको अच्छे से भून के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं ग्राइंडर में, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो फिर जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा है वेजीज, उनको इसमें डाल दीजिए, और इसको पकाना है मीडियम हीट पे, जब तक ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ, और 80% पकना चाहिए। और फिर बाउल में थोड़े से मसाले बचे उसमें पानी डाल के ये भी डाल दीजिए, और इसको पकाने के लिए रख दीजिए, 80% तक पक जाना चाहिए। अब ये पक चुका है 80%, थोड़ा सा जो बचा खुचा है वो बाद में दम लगाएंगे तब पक जाएगा, और फिर इसको रखते हैं साइड। अब यहाँ पे चावल भी भीग चुका है आफ्टर 20 मिनट्स, और इसको भी पकाते हैं, और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नींबू और जितने भी खड़े मसाले हैं सारे डालते हैं, और फिर नमक और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको भी 80% पकाना है, पूरी तरह नहीं पकना चाहिए, और थोड़ा सा मैंने जिंजर डाला है फॉर टेस्ट। तो ये भी अब 80% पक चुका है, पूरी तरह से नहीं पकाना है, ये ध्यान रखना है बस। अब ये इतना पक चुका है,
तो इसको भी निकालते हैं। चलो अब दम लगाने की तैयारी करते हैं। तो जो वेजीज है ये मैंने हाफ निकाल दिया है क्योंकि हम दो लेयर डाल रहे हैं आज, तो हाफ निकाल देना है, हाफ इसी में रखना है। तो सबसे पहले नीचे जो वेजीज है उसको अच्छी तरह से फैला दीजिए, उसके ऊपर ये राइस डालना है अच्छे से, अच्छे से राइस का एक लेयर बनाना है। तो चावल का अच्छे से लेयर डालने के बाद इसमें आप डाल दीजिए अनियंस, फ्राइड अनियंस। मेरे पास तेल कम था तो मैं अच्छे से फ्राई नहीं कर पाई, बाकी आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, अच्छे से क्रिस्पी बना सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। और उसके ऊपर डाल दीजिए लेमन अच्छे से, और ये मैंने सैफ्रन भिगो के रख दिया था दूध में, तो अभी इसका अच्छे से कलर निकल आया है, तो इसको भी डालना है इस तरह से केसर का दूध, जिससे एक अच्छा कलर आएगा। और ऊपर से फिर जो हमने सब्ज़ी निकाल के रखा था उसका एक लेयर डालना है, और फिर जो भी बचा हुआ चावल है इसका भी एक ऐसे लेयर डाल दीजिए एक, और इसमें जो भी बचा हुआ फ्राइड ऑनियंस है ये डालना है अच्छे से, और फिर लेमन जूस, और फिर सैफ्रन मिल्क, और इसमें कलर भी डालते हैं जो फूड कलर्स होते हैं ये भी डालते हैं, बट हमने नहीं डाला है, ऐसे ही सादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर्स पसंद नहीं है। सो इसमें ऊपर से डालना है धनिया और पुदीना और हरी मिर्च, और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तो इसको ढक के अब इसको दम पे रखना है। वैसे बिरयानी ज़्यादातर मोटे पतीले में बनाते हैं, तो आज मैंने राइस कुकर का ये पतीला यूज़ किया है। उसको अच्छे से सील करना है ऊपर से ताकि हवा ना निकले, और इसको नीचे से मैंने तवा रख दिया है, और इसको लो फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए दम पे लगाना है। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये अच्छे से पक गया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, और तो ये चावल और सब्ज़ियाँ हैं ये सारे अच्छे से पक चुका है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। और नॉन वेज बिरयानी भी सेम ऐसा ही बनाना है, कोई अलग से नहीं बनाना है, सेम लाइक मेथड सेम है, और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो इसके बाद हम एक गेम चैलेंज करने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, और फिर हम बताएंगे कि बिरयानी कैसे बना है, देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। तो यही था आज का रेसिपी। सो यही था बिरयानी का रेसिपी, आई होप यू गाइस लाइक इट। और देख सकते हैं कितना इजी है, लाइक बहुत ही सिंपली बन जाता है, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो आपके किचन में मिल जाता है उसी से बन जाता है। बस यही था आज का वीडियो, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। और बिरयानी के साथ हम एक गेम, एक चैलेंज वीडियो करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।